write down the problem. One bag contains four white balls. Four white balls. One bag contains four white balls and three black balls. One bag contains four white balls and three black balls. A second bag contains three white balls and five black balls. Okay. One ball is drawn from the first bag and placed unseen in second bag. Randomly placed kar diya gaya. What is the probability that a ball now drawn from second bag is black? What is the probability that a ball now drawn from second bag is black? Mere paas bag 1 hai. Bag 1 hai. Bag 2 hai. Do bag hai. Isme kya hai? 4 white balls hai. 4 white balls and 3 black balls. Ye status hai iska. और बैग बी का स्टेटस क्या है? बैग बी में क्या है? 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 3 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब टोटल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है ये। बैग बी है, अगर मैं रैंडमली एक बॉल ए से निकालता हूँ, बैग ए से एक बॉल रैंडमली निकाली तो जो निकाली गई बॉल है वो वाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। कंसंट्रेट करिए, अगर हमें उसके बाद क्या है, बैग बी से एक बॉल निकालनी है और वो क्या हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाउ वो बॉल कैसी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नाउ अ बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो बैग ए से अगर मैं एक बॉल निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर ये वाइट है या ब्लैक है। ये बैग बी है जो 3 व्हाइट है एंड 4-5 ब्लैक बॉल्स हैं। लेकिन अगर बैग ए से व्हाइट बॉल आई तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, बैग बी का 4+1। बैग इसे ब्लैक बॉल आई तो क्या हो जाएगा, 5+1। तो कंसंट्रेट करिए, बैग ए से अगर व्हाइट बॉल आती है तो बैग बी से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/9। लेकिन बैग ए से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/7। तो बैग ए से व्हाइट बॉल आए और बैग बी से ब्लैक बॉल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी सैमिलिटी, दोनों इवेंट सैमिलिटेरियसली अगर होंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7 इंटू 5/9। क्योंकि अगर मेरे पास बैग ए से ब्लैक बॉल आती है तो बैग बी का स्टेटस क्या हो जाएगा, 3 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो यहां से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फर्स्ट से ए से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 3/7। और इससे अगर ब्लैक बॉल आती है तो बैग बी से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/9। तो कंसंट्रेट करिए, what is the probability that a ball is drawn randomly from bag B is black? मतलब bag B से black ball आए, तो दो possibilities हैं, bag B A से white आए, then उससे black आए, bag A से black आए, then B से black आए। तो total probability की problem है, तो मेरे पास final answer क्या आएगा, 4, ये होगा 20/20, ये कितना आएगा, 63 प्लस ये कितना आएगा, 18/63। द फाइनल आंसर इज 38/63। टोटल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है, अगर हम चार्ट बना के जाएंगे तो नेसेसरीली ये सही होगा। मतलब बैग ए से वाइट आए तो बैग बी की से बी से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी अलग है, बैग ए से ब्लैक आए तो बैग बी से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी अलग है। तो इनमें प्रोडक्ट लग रहा है,
बैग ए से वाइट आए, फिर इससे ब्लैक, बी से क्या है, मैन कंसेप्ट ये है, बैग बी से ब्लैक आए, एक ये है, और बैग ए से ब्लैक आए और ब्लैक बी से ब्लैक आए, ये दोनों व्हाइट एंड ब्लैक साइमल्टेनियसली करूंगी, ये ब्लैक एंड ब्लैक साइमल्टेनियसली करूंगी, ये दोनों करूंगी और ये दोनों करूंगी, तो इन दोनों इवेंट्स में प्रोडक्ट टूल है, इन दोनों इवेंट्स में प्रोडक्ट टूल है और इन दोनों में मेरे पास सम रूल है जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये दोनों, ये प्रोडक्ट टूल है, ये प्रोडक्ट टूल है और यहाँ पे मैंने सम रूल अप्लाई किया, ठीक है ना, समझ गए, ये पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट करिए, ठीक है ना, ओके okay.